अक्सर हम अपना इंट्रोडक्शन अयोध्या वासी के रूप में ही देते हैं अब तो एकदम से देते हैं तो आपको भी इन्फ्लुएंसर कहा जा सकता है मुझे तो अभी तक पता नहीं चल पाया है कि इंस्टाग्राम चीज क्या है क्या बात कर रहे हैं पहली बार एक सब ने मुझे फोन किया बोले यार तुम वायरल हो गए तो हमें लगा मतलब बीमार हो गए क्या मित्रों की मदद से इलेवें पास किया मैंने मैंने भी मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि साठ सत्तर परसेंट लोग बहुत इनोसेंट हैं और 60-70 में 55 परसेंट लोग नकल करके आए बेचारे आप हिंसा और सेक्स की बजाय अगर आप पंचायत सीरीज देख लो तो आपको कितना नॉलेज गेन होगा उससे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है आपका पंचायत में वैसे तो इमोशनली मैं से अच्छा हिंदुओं के साथ क्या दिक्कत हो गई बोले मुसलमान भैया लूट रहे हैं आपको वो बेचारे खुद ही परेशान है मुसलमान एक नेता जी हमको फोन किए गए यार मैं जगह डिस्कशन में बैठा हूँ जी फुल फॉर्म क्या है कबीर स्कूल नहीं गए पर वो बुद्ध से कम महान नहीं है गाड़ी चला रहे हैं पीछे लिख रखा का, महाकाल एक हाथ मार दो सांस ऊपर ना आए <laughs> सर मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे बात नहीं कर रही है मैं मेरी से कर ले। और इनको बस एक चीज पसंद है पावर कि सेक्स करने के ऐसे भी हैं तरीके अंबानी वेडिंग में आपको इनवाइट नहीं किया अरे हमको कहा अंबानी जी इनवाइट करेंगे हालांकि मैं उनसे कम नहीं हूँ एक तो, ने तो कहा अवैध हो जाए <laughs> यही सवाल श्री कृष्ण <laughs> नहीं, 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 नहीं। 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 रोज रोज काम करके मैं थकता नहीं ये समाज जितना भी क्या किसके बाप की भी सुनता नहीं तुम करते रहो अपने सपनों को फील मेरे बैठे गुड इवनिंग वेलकम नमस्ते नमस्कार गुड नाइट पता नहीं किस दुनिया में और किस जगह पे किस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे आप मुझे देख रहे होंगे मैं अपना थोबड़ा तो हमेशा आपके पास ले आता हूँ अनकट विद आनंद पे और साथ में कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जिनको आप देखते नहीं थकते ऐसे ही एक गेस्ट आज भी हैं हमारे साथ अवध ओझा जी ओझा जी हमारे यहाँ किसी और चीज़ को कहते हैं तो आपको कैसे बोलूँ सर बोलूँ अवध ने, जी बोलूँ ओझा जी बोलूँ या नहीं नहीं आप कुछ भी बोलिए ओझा जी बोलिए सर बोलिए जो आपको अच्छा लगे है आपने कहा कि आप किसी लैटिट्यूड पे देख रहे हो तो आप जिस पे चाहें उस पे मुझे संबोधित कर सकते हैं ये जो सोशल मीडिया में हर जगह हम तो ज़बरदस्ती छाने की कोशिश करते हैं आप जो अपने आप छाए हुए हैं तो आपको भी इन्फ्लुएंसर कहा जा सकता है आज की टेक्नोलॉजी में तो बिल्कुल कहा जा सकता है क्योंकि जितने लोगों के पास एक लिमिटेड लोगों से ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं तो उन्हें इन्फ्लुंसर ही कहा जाता है तो सोशल मीडिया की टर्मिनोलॉजी में हम लोग एक इन्फ्लुएंसर के लेवल पे तो आते ही है तो अच्छा लगता है या लगता है कि नहीं यार लोगों की जिंदगी वैसे इन्फ्लुएंस करते ना कि इंस्टाग्राम और रील्स के थ्रू नहीं मैंने जानबूझ के आज भी आज भी इंस्टाग्राम यूट्यूब फेसबुक मैं किसी पर एक्टिव नहीं होता वो तो कोरोना के टाइम पे जब मैंने क्लासेस लेनी शुरू की हाँ। तो मैं वायरल होना शुरू हुआ पहली बार एक साहब ने मुझे फोन किया बोले यार तुम वायरल हो गए तो हमें लगा मतलब बीमार हो गए हैं क्या क्योंकि हमारे यहाँ वायरल का मतलब फ़ीवर होता है वायरल फ़ीवर हाँ तो हमें लगा यार वायरल हो गए तो क्या हुआ तो पता चला साहब कि आपको लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हैं हमने कहा इससे कौन सी बड़ी बात है हो गए होंगे वायरल मुझे ये नहीं पता था कि वायरल कितना इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फिर वो लगातार होते रहे जो भी कोई कहे भैया वायरल हो गए इस मुद्दे पे वायरल हो गए और कभी कभी वो वायरल फ़ीवर से ज़्यादा ख़तरनाक होता चला गया कभी कभी लोग दुखी भी हुए कुछ मुद्दों पे कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था तो मैंने वो कोई सोच समझ के नहीं किया था बट वो शायद कोरोना के टाइम पे जो मैंने प्रोग्राम्स किए नौजवान क्रांति चला, वो उसका परिणाम था पर अब अच्छा लगता है तो इस बारे में ज़रा फिर से बात करेंगे आपके सोशल मीडिया प्रेजेंस के बारे में लेकिन इस धरती पे जो आपका प्रेजेंस ये कहाँ से बचपन शुरू हुआ कहाँ पहुँचे इलाहाबाद की बातें आप करते हैं ज़रा बताइए मेरा जन्म तो गोंडा में हुआ एक शहर है यूपी में अयोध्या के पास अक्सर हम अपना इंट्रोडक्शन अयोध्या वासी के रूप में ही देते हैं अब तो एकदम से देते हैं अच्छा। और अब देते हैं तो लोग प्रणाम भी करते हैं कि अरे भैया राम की नगरी से आए तो वहाँ मेरा जन्म हुआ आ, उसके बाद मैंने अपनी स्कूलिंग वहीं की फ़ातिमा इंटर कॉलेज ऑइसिस है वो डेजर्ट में मतलब हम वहाँ पढ़े बाहर के टीचर थे उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया मैं तो नहीं पढ़ा मुझे पढ़ने का शौक नहीं था या आप ये कह सकते हैं कि मुझे पढ़ाई शायद समझ में उस वक्त नहीं आती थी मैं यस... ये नहीं जान पाता था कि पढ़ना क्यों है ये सिर्फ पढ़े पढ़े लिखे लिखे नहीं आज <laughs> पढ़े पढ़े नहीं तो मुझे ये नहीं समझ में आता था कि क्यों पढ़ना है जैसे हा? आज मुझे ये समझ में आता है कि क्यों पढ़ना है तो जैसे मेरी माता जी थी बोलती थी पढ़ोगे नहीं तो बर्बाद हो जाओगे तो मेरे पिताजी कहते थे कि बेटा ऐसा नहीं है जो लोग नहीं पढ़े लिखे वो राजा बने पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब खेलोगे कूदोगे हो गया खराब तो पिताजी उल्टा बोलते थे अच्छा। थे ये सब दिन का मत है नौकरी करोगे जिंदगी भर खत्म हो जाओगे सब टेंशन मत लेना आराम से रहो खैर इस पशु पेश में पढ़ता रहा बढ़ता रहा और मित्रों की मदद से 11 ट्वेल्थ पास किया मैंने मैंने भी मेरे मेरे पूरे मित्रों का योगदान रहा उस पर उनकी मदद से मैंने हमने तो दो बारी ट्वेल्थ पास किया और अच्छा हमने एक बार किया हालांकि दूसरे की संभावना थी मेरा कंपार्टमेंट आ गया था केमिस्ट्री में हम तो इम्प्रूवमेंट वाले थे अच्छा अच्छा, अच्छा कंपार्टमेंट आया क्यों इतनी सुबह छह बजे शराब पी ली हालांकि वो जो हमारा चपरासी था पंडित जी उसने मुझसे कहा कि भैया अवध भैया शाम को पी लिया हुआ मैंने कहा तो बारहवीं की बात है बारहवीं की बात पंडित जी हमारे यहाँ थे फातमा इंटर कॉलेज में तो उन्होंने हमें रोका कहा अवध भैया भैया हा यार थोड़ा तो तुम भी लगाओ कहा नहीं अरे भैया कहा भैया परीक्षा दे दीजिए अरे मैंने कहा पंडित कैसी बातें कर रहे हो परीक्षा है कुंभ का मेला बारह साल में थोड़ी ना आएगा तो इतना इतना ज़्यादा वो खाली पेट था स्ट्राइक मार गया अंदर गए बेहोश हो गए अब जब हम ही नहीं लिख पा रहे तो खैर किसी तरह लेटे वह, वहाँ बैठे बैठे रहे और एग्जाम ओवर हो गया तो उसमें कंपार्टमेंट आया केमिस्ट्री में कानपुर में परीक्षा दी उसकी कोई देवता आया था मुझे पास करा के गया वो जहाँ भी बेचारा बैठा हो जिसने भी कंपार्टमेंट दिया होगा केमिस्ट्री में उसको मैं यहाँ से हाथ मतलब कभी ज़िंदगी में जिसने केमिस्ट्री के कंपार्टमेंट में किसी लड़के सिगरेट बाँध के पी और वो खुद टॉप वो भी इम्प्रूवमेंट देने आया अच्छा हाँ वो इम्प्रूवमेंट वाला लड़का था मैंने कहा यार तुम क्या देने हो कहा मैं इंप्रूवमेंट देने आया मैंने कहा ये क्या होता है कहा यार मेरे मार्क्स बहुत कम है सेवेंटी सिक्स मार्क्स हैं केमिस्ट्री में अरे मैंने कहा भैया <laughs> हम दो पास हो जाते हैं <laughs> तो खैर इंटर किया फिर वहाँ से मैं गया किसान डिग्री कॉलेज बहराइच में वहाँ रहे तीन चार महीने पर डेस्टनी कुछ और ही थी तो मैं पहुँचा इलाहाबाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पहुँचा और वो मेरे जीवन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट निर्णायक मोड़ है वहाँ क्योंकि जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पहुँचा तो मुझे जो टीचर्स मिले वहाँ और टीचर्स के साथ सीनियर्स आज मैं बार बार लड़कों से यही बात कहता हूँ कि यार कुछ करना ना करना अपनी संगत पर जरूर ध्यान देना क्योंकि टीचर्स तो थे ही पर प्लस जो संगत थी मतलब हर आदमी वहां एक गोल के साथ बैठा हुआ था किताब पढ़ने का शौकीन था जैसे फॉर एग्जांपल हमारे एक सीनियर हैं तो हमसे बोले कि अरे पंडित जी कम से कम जिंदगी में वैशाली की नगर वधू तो पढ़ लो कुछ नहीं पढ़ पा रहे हो चित्रलेखा पढ़ लो स्क्रिप्ट राइटर हो जाओगे मूवी वूवी लिखोगे हिट हो जाएगी पैसा कमाओगे शानदार तो हमें लगता था यार इन सबसे ऐसा होता है क्या गुनाहों का देवता तो लोग डिस्कस करते थे कैरेक्टर जैसे आप देखते होंगे ना मैं मूवी वगैरह तो बहुत, बहुत, बहुत। से लेकर रॉ हाँ, मेटीरियल सबके लिए हाँ। तो वहां पे क्या हुआ कि जो बौद्धिक विकास जिसको बोलते पर्सनैलिटी तो हो चुकी थी वो सारा खेल गोंडा और बहराइस ने पूरा कर दिया था लेकिन जो बौद्धिक विकास जिसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल की हाँ आप पढ़ते हैं आप सोचते वो इलाहाबाद ने दिया और सबसे पहले तो इवनिंग क्रिश्चियन कॉलेज के एक टीचर है मैं उनका बार बार नाम लेता हूँ बॉटनी पढ़ाते थे वो अब तो शायद रहे नहीं ई सी सी ई सी सी हाँ वो कृष्णा कोचिंग में वो बॉटनी पढ़ाते थे एक्स वाई जेड जो भी उनका नाम रहा वो भी तो मुझे रिकॉल नहीं हो रहा तो वो थे वहाँ से मुझे लगा कि नहीं यार पढ़ाई भी एक मज़ेदार चीज़ है पढ़ क्या रहे थे सब्जेक्ट्स क्या थे आपके इलाहाबाद में फिलासफी हिस्ट्री और इंग्लिश मतलब आई की तैयारी वहीं से शुरू हो रही थी वहीं से शुरू हो रही थी सभी कर रहे थे मतलब मैं जब एंटर किया तो बोले ये देवेंद्र भैया हैं डीएसपी हैं हमने कहा ये क्या होता है हमको दरोगा पता था कि यार दरोगा कोई होता है बड़ा बड़ा अधिकारी तो बोले ये आर टी हैं ये ऐसे हैं ये वैसे हैं तो वहाँ जाकर और फिर मेरे जो सीनियर्स थे जैसे विनोद जायसवाल हैं और कई सारे लोग हैं वहाँ मैंने लोगों को पढ़ते देखा डिस्कस करते देखा वहाँ कोई और वो डिस्कशन इतनी मजेदार होती थी जैसे कटरा चौरा है, बाटा, से खाते हो वाले। और, वहां पे पप्पू चाय वाले की दुकान और है क्या, हम रहते थे, हमका यार, क्या खेल चल रहा है भैया क्या है पैलेस्टीन तो बताए लोग ये तुम बस चुपचाप सुनो तो वहां पर जो सीनियर्स बात करते थे डिस्कस करते थे अगर आज आई के जो एक्सपेरेंट्स हैं अगर वो इस विधा को वापस रिपीट ले आए तो इन्हें कोचिंग की डिपेंडेंसी बहुत कम हो जाएगी तो पहले जैसे स्मृति और स्तुति वाला हिसाब exactly, था ना एग्जैक्टली exactly. आज ये जो लोग लड़के फ्रस्ट्रेट हैं परेशान हैं कि साहब हम पढ़ाई करते हैं हम तैयारी करते हैं हमारा सिलेक्शन नहीं होता क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ मिसिंग है इन लोगों ने डिबेट करना छोड़ दिया है आप जब डिबेट करते हो तो रिकॉल होती हैं चीज़ें डाइजेस्ट होती हैं चीज़ें वहाँ से फिर बाहर निकले फिर मैंने डी का एग्ज़ाम दिया एम का मैं दिल्ली पहुँचा जाकिर हुसैन कॉलेज में, में मेरा एडमिशन हुआ तो पढ़ चुकी तैयारी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि फिर मैं क्लासेस अटेंड नहीं कर पाया तो खैर उस वहाँ से मैंने छोड़ा पर ओवरऑल यूपीएससी की जर्नी जब आई तो मतलब आ, मैं मैं भी एक बात मानता हूँ कि अगर संभव है नहीं है फिर तो कोई बात नहीं और अगर गोल भी नहीं है तो भी कोई बात नहीं लेकिन अगर सम्भव है तो व्यक्ति को एक बार आई की तैयारी करनी चाहिए उसका जो क्योंकि उसकी मैं वजह बताऊँ तो क्यों करनी चाहिए एक्चुअली ह्यूमेनिटीज क्या है ना वो व्यक्ति को जीवन का परस्पेक्टिव देता है अगर मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ता तो मुझे लगता कि यार ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी पर हिस्ट्री पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि देखो एक आपका व्यवहारिक जीवन है एक आपका आदर्श वाला जीवन है क्लाइव अगर इस पॉलिसी को मानता तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एम्पायर यहाँ पर कभी नहीं बना पाती बिस्मार्क अगर इस पॉलिसी को मानता तो फिर जर्मनी कभी नेशन बन ही नहीं पाता अगर अब्राहम लिंकन इस पॉलिसी को मानता कि ऑनेस्टी तो फिर सिविल वॉर को वो कभी भगा नहीं पाता कभी करेक्ट तो एक ओवरऑल जो डेवलपमेंट हुआ एक पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट एक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट वो इन सारे शहरों की देन थी गोंडा इलाहाबाद जैसे हम आज प्रयागराज कहते हैं और फिर दिल्ली ये नाम बदलने का क्या डू अग्री विथ इट कि हर जगह का नाम बदल दिया इतने सालों से इलाहाबाद चला आ रहा था किसी को कोई दिक्कत नहीं थी आज संडली लोग सेंसिटिव हो गए हैं ज्यादा यहाँ का नाम बदल दो वो स्टेशन बदल दो एक्चुअली क्या है ना कि जब समाज बहुत एवरेज लेवल पे जीता है एक्चुअली जो भी काम हमारे नेता करते हैं उनकी उसमें कोई गलती नहीं है गलती किसकी है अब बजट इशू हुआ है अब बजट का सेशन चल रहा है मुझे नहीं लगता कि भारत के कोने में चाय के दुकानों में बैठ के बजट पर डिस्कशन हो रहा होगा जिस देश की प्रजा को यह नहीं पता है कि वो प्रजा नहीं है वो राजा है। वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलमली रिजॉल्व वो अगर अपने राज अपने प्रतिनिधि को बोलेंगे हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं वो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो अपने राजा से कुछ बात करने की कोशिश ही नहीं करता उसको पता है मेरा राजा बेहोश है राजा नाच रहा है अमेरिका 1787 में पैदा हुआ 1947 तक अमेरिका दुनिया का मनी लेंडर बन गया सिर्फ तीन काम पे उसने ध्यान दिया एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियलाइजेशन चार चीजों पे और आज अमेरिका पावर है और एक उनकी बहुत बढ़िया बात परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस ऑफ हैप्पीनेस और चार चीजों पे उन्होंने ध्यान दिया बेसिकली मैं उसे तीन हुँ. ही कहता हूं एनर्जी एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्योंकि जब उन्होंने हिस्ट्री पढ़ा तो पूरे हिस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो टेक्नोलॉजी का ही तो खेल है भाई आर्यस पूरी दुनिया में जीतते रहे एक समय पर क्योंकि व्हील थी वो भी स्पाइड व्हील थी उनके पास स्पीड था उनके पास घोड़ा था तो जिसके पास टेक्नोलॉजी होगा वो राज करेगा यहां हिंदुस्तान की पब्लिक वो बिजी है भैया व्यापी भी हमारा है <laughs> पूजा कर नहीं पा रहे हो आंधी चल रही तो खड़े हो हिल रहे हो बुखार हो जा रहा है कोरोना का तो डर के मारे जान निकल जा रही है हैं रहे हो और और मैं सबसे बड़ी मजेदार बात इस देश में अगर आपको कोई एक बार मारेगा तो आप अलर्ट हो जाओगे दोबारा मारेगा आप अलर्ट हो जाओगे यहां बार बार मार खाए महमूद गजनी मारा तैमूर मारा ग... नादर शाह मारा घोरी दाली मारा रॉबर्ट क्लाइव इतनी बुरी तरह मारा पैंट कच्चा सब उतार लिया भैया हमको हमको लूट लिया भैया अरे तो तभी अपनी कमी पे भी चर्चा करो और जब तक नहीं सीखोगे वही सबक सिखाती रहेगी बिल्कुल आप उससे पूछिए तुम मुझे कहा ले जाना चाहते हो तो क्या बनाओगे मेरा फ्यूचर अगर वो कहता है हम आपको इंडस्ट्री देंगे एजुकेशन देंगे और नेता बेचारे क्या करें उन्हें तो वोट चाहिए एक्चुअली क्या है ना कि जो समाज का जागरूक तबका है पढ़ा लिखा जो पर एक्चुअली हमारे देश में क्या है ना मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि साठ सत्तर परसेंट लोग बहुत इनोसेंट हैं और उस साठ सत्तर में पचपन परसेंट लोग नकल करके आए हैं बेचारे <laughs> वो बैठ के किताब हम भी नकल किए थे लेकिन हम बड़े सौभाग्यशाली थे कि इलाहाबाद पहुंच गए और हमें जो है उपाध्याय सर जैसे एच उपाध्याय सर जैसे टीचर मिल गए पर उतने सौभाग्यशाली हर आदमी नहीं है तो इनोसेंट है लोग उनको आप कुछ भी बता सकते हैं कि भैया भैया ब्राह्मण सारा हक हाँ सबका खाया जा रहा है अच्छा खा गया खाए रहा भैया कहा जा रहा है अच्छा हिंदुओं के साथ क्या दिक्कत हो गई मुसलमान भैया लूट रहे हैं आपको वो बेचारे खुद ही परेशान है मुसलमान पूरी दुनिया उनके पीछे पड़ी हुई है तो जिस कम्युनिटी में मेजॉरिटी के पास रैशनलिज्म की कमी होगी वो समाज परेशान रहेसी इट्स डेफिनेशन ज नॉट पॉसिबल क्योंकि एक की हुई, दूसरे को तो दबाए गए तो कहा okay हाँ, हम, हम किसी चीज को पढ़ते हैं फॉलो करते हैं तो उसके हिस्ट्री को देखते हैं चाइना ने एक बड़ा अच्छा काम किया डेमोक्रेसी इवाल्व इन ब्रिटेन 1215 कहानी उसकी वहां से शुरू होती है

नहीं एक बोतल दारू और आधा किलो मुर्गा पे वोट बिकेगा <laughs> प्रॉब्लम डेमोक्रेसी में नहीं है प्रॉब्लम डेमोक्रेसी इवॉल्व नहीं हुई जैसे हम शायद मुझे ऐसा लगता है कि वैसे तो नेहरू जी बहुत महान है मैं तो कभी आ, उनके अगेंस्ट में कुछ बोलता ही नहीं जेल नेहरू मतलब एज अ पॉलिटिशियन एज अ स्टेट्समैन एक वर्ड एज स्टेट्समैन हम रॉबर्ट क्लाइव को स्टेट्समैन नहीं कह सकते तो ज़्यादा पॉलिटिशियन था हाँ एग्जैक्टली तो मैंने देखा कि कभी कभी मैंने देखा ना वो थोड़ा आइडियलिस्टिक हो गए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सबको दे दो अरे भैया एक बार इनको बताओ तो कि इस लायक है कि नहीं हाँ कितनी वैल्यू है एक एक वोट की आप लीडर में विजन चेक करो इसका विजन क्या है आप लीडर में चेक करो कि ये लीडर कितना पढ़ा लिखा है क्या सोचता है क्या करना चाहता है मतलब लीडर का विजनरी होना इतना मस्ट है भले वो कम पढ़ा लिखा हो पर उसका विजनरी होना बहुत जरूरी है उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है पता लगा भैया के ऊपर पंद्रह मुकदमा चल रहा है भाई हमारे यहाँ लीडर देखा जाता है कि भैया डिफेंडर में चला थे भैया अगर डिफेंडर ही क्राइटेरिया होती लीडर बनने की तो राम मनोहर लोहिया तो कभी लीडर बन ही नहीं सकते थे लाल शास्त्री कभी मिनिस्टर नहीं बनते। बर्लिन से पीएचडी किया हुआ आदमी बर्लिन से वो मरता है और इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में उसका दाह संस्कार होता है क्या जरूरत थी उस आदमी को इस देश के लिए जान देने की सेकुलरिज्म इज अ कॉन्सेप्ट विच टू बी अंडरस्टूड अगेन बाय एंटायर पॉपुलेशन ऐसा नहीं कि हिंदू सेकुलर हो जाए मुसलमान क्या भैया हमको हज की सब्सिडी दे दो इस देश में जो भी इंडियन है वो चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है वो अपने घर में है जब वो बाहर निकलेगा तो उसकी एक ही डिमांड होगी हिंदू मुसलमान सिख दलित ब्राह्मण सब बाहर रोड पे इंडियन है और उनकी एक ही डिमांड होगी रोटी कपड़ा मकान नौकरी इंडस्ट्रियलाइजेशन एट्सेट्रा जब तक ये चीजें नहीं डेवलप होंगी तब तक इस डेमोक्रेसी का इस सेकुलरिज्म का कोई फायदा नहीं होगा सब वर्ड ही है ये सब वर्ड रह जाएगा आजकल यू पी एस के स्टूडेंट्स को बहुत सारे को पढ़ाते हैं माशाल्लाह बहुत बढ़िया कर भी जाते हैं लोग यूपीएससी को लेकर जो तो बवाल चल रहे हैं अभी उनके चीफ साहब ने रिजाइन कर दिया जो कि खुद कभी सर्विस से आए नहीं थे उसके ऊपर क्या वट इज योर व्यू पॉइंट अच्छा है क्योंकि जब भी मैं तो तारीफ करूंगा उनके रेजिग्नेशन की ये एक बड़ा मॉरल स्टेप माना जाता है आ, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि पूजा खेडकर वाले इशू के चक्कर तो में डिज़ाइन किए वो तो खैर मुद्दा मुद्द है ही है पूजा खेडकर का मुद्दा तो है ही है और बड़ा मुद्दा है क्योंकि पहली बार मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जिस दिन यूपीएससी करप्शन का शिकार हो जाएगी उसके बाद भारत का इतिहास बीस साल से ज्यादा नहीं होगा क्या नहीं है क्या टोटली एकदम वैसे तो इस देश में कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है मौका नहीं मिला वही धुला हुआ बस 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 फिर ये जो रिजर्वेशन के क्राइटेरियाज होते हैं इसमें इतने लूप होल्स होते हैं जैसे कि फिजिकल डिजेबिलिटी है वो कहते हैं फोर्टी परसेंट होना चाहिए अब जिसने मेडिकल पढ़ रखा है वो सिस्टम घुमा देगा वो सिस्टम घुमा देगा आम आदमी को तो पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है जैसे जिस फील्ड का आदमी जानकार है मुझे तो अभी तक पता नहीं चल पाया है कि इंस्टाग्राम चीज़ क्या है क्या बात कर रहे हैं अभी तक मतलब हमसे जब लोग कहते हैं आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है अरे मैंने कहा यार ऑफिशियली लोगों ने ऑफिस में बना रखा है मेरा अपना पर्सनल कोई नहीं जबकि मेरे नाम पे हजारों इंस्टाग्राम के वो चल रहे हैं तो क्या क्या लिखते रहते हैं हाँ पता है नहीं क्या क्या बनाते रहे एक कहता है अगर इनकी बातें बीस भी फॉलो कर लो तो आई तो पता नहीं एफ जरूर हो जाएगा तुम <laughs> पे <laughs> चक्कर क्या होता है कि आज का का मसाला युग है। हाँ। मैंने एक लॉ लॉ। इवॉल्व किया, ईयर हर साल उसके बाद जो चुनौतियां शुरू होती 17 ये पे आपके सामने माँ बाप की चुनौती खड़ी हो जाती कि भैया कुछ कह लो भैया परिवार के नाम इज्जत बचा लो हाथ जोड़ते पढ़ लो भैया नौकरी भैया भैया कुछ वहाँ से आपके ऊपर प्रेशर बिल्डअप होता है अब तो मैं देख रहा हूँ हमारे ज़माने में तब भी ठीक था अब तो मैं देखता हूँ पेरेंट्स नर्सरी के बच्चों को प्रेशराइज कर रहे हैं अभी इंदौर में एक सेवन्थ क्लास की लड़की ने बिल्डिंग से कूद कर सुसाइड कर लिया पंद्रह बीस दिन पहले की बात है ट्वेंटी सेवन में आपके ऊपर फ्रेंड्स का प्रेशर हो जाता है कि वह फलाने और कनाडा में रह रहे हैं और दो करोड़ का पैकेज है थर्टी सेवन में आपके ऊपर वाइफ और बच्चों का

तो ये जो टेन ईयर लॉ मैंने इवॉल्व किया है मैं ये कहना चाहता हूं भाई कि जिंदगी में अगर आपके नाम एफ नहीं है तो जीवन तो भारत में व्यर्थ चला ही गया उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं भले ही नामजद कराया कराएगा झूठे आरोप में पर वो अलग बात है अगर आप अंदर से युद्ध की क्षमता नहीं रखेंगे भगवान कृष्ण क्यों सरवाइव किए इस कंट्री में बुद्ध क्यों नहीं सरवाइव किए क्योंकि गलत कंट्री में थे वो चक्र नहीं लिए हुए थे सिर्फ बोलते रहे ध्यान करो भगा दिए सब इस कंट्री से कैरेट और स्टिक में सिर्फ एक ही था उनके पास लेकिन कृष्ण सरवाइव किए क्योंकि उनको पता था कि अगर गाली दोगे सुदामा शिशुपाल लो कि अगर आप सुदामा की तरह प्रेम से हमसे मिलेंगे तो सुदामा तो दूध अपनी आंसू से तुम्हारा पैर धुलेंगे लेकिन अगर बदतमीजी किए तो मारेंगे और घर दौड़ा कर मारेंगे और बहुत मार मारेंगे तो अगर आपका लड़के आते मेरे पास कहते हैं साहब सर सर मुझे सर पसीना आता है सर एंगी डिप्रेशन पैनिक अटैक्स हो रहे हैं हाँ सर मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे बात नहीं कर रही है मैं मैं कहता मेरी वाली से कर ले मैं दू नंबर बाहर वाला इंडिया वाला दूँ अरे आप कैसी बातें कर रहे हो स्त्री और भगवान इनको बस एक चीज पसंद है पावर उनको दूसरी चीज पसंद ही नहीं तो भगवान रावण को दर्शन देता कहते राक्षस कुल का था, था तो पर पावर भी तो है सर काटने का वो सुबह जाके घंटी नहीं सिर्फ है उसके अंदर अंदर आंतरिक शक्ति है सर चढ़ा दे रहा है तब भगवान शंकर आके दे रहे तो आज का जो युवा है जैसे वो थोड़ा सा चैलेंज फेस करता है रात भर रील स्क्रॉल करता है डूम स्क्रोलिंग तो मैं उससे ये कहता हूं कि बाबू लड़ना भी सीख लो अब लड़ने भाई सीखने का मतलब ये नहीं कि जिसके ऊपर उठाए तान दिए हारना भी सीखना जरूरी अब गन अगर हारना तो बहुत प्यारी चीज है हारने पे आपको पता चलता है कि अपना कौन है कितना प्यारा लॉ है हारने का और हारना आपको बहुत यही इंडिया टीम जो वर्ल्ड कप हारी और रोहित शर्मा दिन भर ऐसा करता है ऐड करता रहता है फलाना करता रहता वही रोहित शर्मा 2020 का वर्ल्ड कप लेकर कर आया क्या जो है हार्दिक पांड्या के लिए क्या लोग पढ़े जाते वही बाउंड्री लाइन पे गड़िया वही बाउंड्री लाइन पे खड़ के गाली दे रहे थे तो मैं चाहता हूँ कि इस युवा का जो हमारे देश का युवा बड़ा हो रहा है उसका व्यक्तित्व तो स्ट्रांग हो मजबूत हो वो कृष्ण की तरह युद्ध भी कर सके और वो कृष्ण की तरह गीता का ज्ञान भी दे सके ये कहना है मेरा उसमें जो हमारे भाई लोग हैं मेरे शुभ हैं वो कहते हैं भैया इनको पढ़ोगे तो एफ हो जाएगा एक तो, ने तो कहा अवैध हो जाए ये अवैध की जगह मैंने एक दो लोगों को जब मेरा भाई मेरे तो अपने लोग हैं अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुई एक साहब ने कुछ लिखा तो उनका फोन नंबर एक मेरा स्टूडेंट है आई पी उसने भेज दिया कहा साहब इनका ये नंबर उनको मैंने फोन किया मैंने कहा और बाबू सर नमस्कार सर हमने कहा हाल है हमने कहा हमारा तो करियर खत्म है तुम वहीं से दूसरा शुरू करेंगे <laughs> सर आ, मैं माँ कसम खा रहा हूँ सर सर ऐसे ही किया था जब बुराई करते हो तब उसको फेस करने की हिम्मत भी तो रखो ऐसा तो नहीं लग रहा कि आजकल लोगों ने बच्चों ने स्पेशली यंगर जनरेशन ने खेलना कूदना थोड़ा कम कर दिया है तो मार कुटाई हारना हार के फिर उठ के खेलना ये कहीं वो फैक्टर यहां गायब तो नहीं हो गया इनका आज की जनरेशन में बहुसंख्यक लोग अंदर से बहुत खोखले हो गए मतलब बाहर से उन्होंने हो सकता है राडो की वाच पहन रखी हो रोलेक्स पहन रखा हो एसिक्स का जूता पहन रखा हो रैंगलर की जींस पहन रखी हो पर अंदर से इतने खोखले होते पेशेंस ही नहीं ना तो जब पेशेंस ही नहीं आप अच्छा आप तो इस वर्ल्ड से जुड़े हो आप एक कॉन्ट्रोवर्शियल बात डालो फिर उसकी रीच देखो चौबीस घंटे के अंदर वही ढंग की बात डाल दो कोई नहीं पूछेगा मतलब आप एक गीता का श्लोक डिफाइन करके डाल दो चालीस दिन बाद उस पर होगा आठ सौ तिरालीस व्यूज और एक आप कोई बात डाल दो कि सेक्स करने के ऐसे भी हैं तरीके चौबीस घंटे में नाइन मिलियन व्यूज तो ये फैक्ट है सबसे फास्टेस्ट थे

उसमें मेरी स्थिति है कि मुझे करोल बाग में, सुना करोल में, बाग में है करोल बाग में रोड पे कल्याण ज्वेलर्स के ऊपर वहां मेरी स्थिति यह नहीं कि जो आए जमा करो नहीं तो मैं फंस जाऊंगा अभी मेरी स्थिति यह है, है कि मुझे एप्टीट्यूड चेक करना ही होता है क्योंकि मेरा जो अगला बैच होगा वो रिजल्ट पे निर्भर करेगा वर्ड ऑफ माउथ पे चलेगा फिर तो। हाँ। मेरा जो बैचेस अगला बनेगा क्योंकि जो एस्टैब्लिश है जहां बीस हजार पच्चीस हजार लड़के है वहां मेजोरिटी को लगता है कि हम ही बर्बाद हैं लेकिन हमारा जो कैरियर है वो मेरे स्टूडेंट्सों पे निर्भर करता है तो मेरा पूरा कैरियर उस पर डिपेंड करता है कि मेरे इस बैच के लड़कों में कैसा परफॉर्म किया आपने पहले एग्जामिनेशन में तो मेरे लिए तो एप्टीट्यूड चेक करना अनिवार्य है और मैं पेरेंट्स से कह रहा हूँ कि अगर आप जानना चाहते हो कि आपका बच्चा आई बन सकता है कि नहीं बन सकता या बनने के लिए उसको क्या क्वालिटी चाहिए तो आप मुझसे मिलने जरूर आए आप खुद आए अपने बच्चों को लेकर आप सबका स्वागत है जब आपके पास आते हैं ये आई ए एस जो बोलते हैं इनको तो बहुत जगह तो मैंने देखा क्या करोगे सिविल सर्वेंट बनेंगे फिर क्या कमाई ही कमाई है ये भी एप्टीट्यूड कहीं गेज करते हैं आप लोगों में कितना कॉमन है कितना नहीं क्योंकि ये पता लगता है वो सिविल सर्वेंट वो सेक्रेटरी वो जॉइंट सेक्रेटरी उसके घर से 80 करोड़ कैश निकला इसका ये निकला तो एक मंशा यही बन गई कि भाई सिविल सर्वेंट मतलब पीट रहा है पीट रहा है लेकिन ये जो लोग आते हैं इस तो वाले अंदाज में एक साहब तो आए मैंने उनसे पूछा बड़ा प्यारा है एक साहब आए झुंझुनू जुन से तो <laughs> मैंने उनसे पूछा कि क्यों आई एस बनना चाहते शहर हमारा राजस्थान में ना दहेज बहुत मिलता है तो मैंने कहा अच्छा तो तुम क्या कर रहे हो मतलब दहेज के लिए आए हो कहा सर अगर मैं आई बन गया तो फाइव करोड़ <laughs> अरे मैंने कहा कैसे कहा सर आप ऐसे देखो यहाँ एक महीने का खर्चा मैक्सिमम पचास हजार रुपए तो छः लाख रुपये साल का हो गया कोचिंग फीस एक से डेढ़ लाख रुपये तो सात लाख रुपये हो गया सात साढ़े सात लाख और मैं अगर दो साल यहाँ रहा तो पंद्रह लाख तो टोटल बीस लाख रुपए मेनिफिट बीस लाख रुपए में आई बन जाऊंगा सर और फिर मुझे डाउरी मिलेगा सर फाइव करोड़ मैंने कहा भाई पचास उसमें से हमको भी दे दे फिर मैंने उनसे पूछा कि तुम कॉन्फिडेंट हो सर बन जाएगा हम हमने कहा अच्छा कंपाउंड की डिफिनेशन क्या है मेरा सबसे पेट क्वेश्चन है जो भी आई की तैयारी करने आता है और साइंस बैकग्राउंड से होता है और जैसे ही वो कहता है कि कंपाउंड इज अ मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स तब मैं उससे कहता हूं कि दोस्त बहुत मेहनत करना पड़ेगा तुमको तुमको जान देना पड़ेगा अपना क्योंकि ना तो तुम कॉन्सेप्ट को समझते हो ना तुम्हारे पास ऑब्जर्वेशन पावर है आई जिसको बनना है जिनके भी माँ बापों को लगता है कि मैं अपने बेटे को दिल्ली ना भेजूँ बेटी को ना भेजूँ और मैं घर रहकर अपने बच्चों को आई बना दूं तो मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूं इस मंच से आपको मैं फॉर्मूला बता देता तो हूं आप दो काम अपने बच्चों में करा दो आपको कोई जरूरत नहीं अपने बच्चों को दिल्ली भेजने की पहला काम आप अपने बच्चे के बेसिक्स मजबूत करवा दो मतलब अगर ज्योग्राफी आप उसे पढ़ाते हो तो उस बच्चे को यह बताओ कि यार जोग्राफी में लैटिट्यूड का क्या रोल है यह है वो बेसिक्स और दूसरा बात आप अपने बच्चे की ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाओ कबीर स्कूल नहीं गए पर वो बुद्ध से कम महान नहीं है क्योंकि कबीर और बुद्ध फाइनली दोनों की एजुकेशन नहीं देखी जाती ऑब्जर्वेशन बुद्ध भी महान कैसे बने देखकर किस इंडस्ट्री ने उनको पढ़ाया था कि संसार दुख में है और कबीर भी देखकर दोनों की ऑब्जर्वेशन पावर बहुत आई है अब कबीर को समझाना है कि भैया हर इंसान ड्यूलिज्म से परेशान है द्वंद्व से परेशान है तो उन्होंने चक्की को देखा चलते हुए एक्सप्लेन कर दिया कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए और दो पाटन के बीच में साबुत बचाना रोए अब आप एक साथ दो चीजों को लेकर चल रहे हैं आप कहीं नहीं पहुंचेंगे तो मैं हर पेरेंट से कहता हूं कि आप अपने बच्चे का फाउंडेशन चेक करो जैसे आप टेंथ से बच्चों को दिल्ली भेज रहे हो मत भेजो हालांकि हमारा ही फायदा है लेकिन <laughs> मत भेजो आप उन्हें टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ कायदे से स्कूल में पढ़ने दो प्लीज़ पर आप चाहते हो मेरा बच्चा बने तो आप उनका ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाओ और फाउंडेशन घर पे स्ट्रांग कराओ बड़े सारे ऑनलाइन एन के कोर्सेज चलते हैं आप वहां से करा सकते हो और फिर अगर आपको लगता है कि मेरे बच्चे में इन चीज़ें डेवलप हो चुकी तो आप आ सकते हो दिल्ली फिर आप कहीं भी एडमिशन लो कोई सा ऐसा ही पढ़ाते हैं तो यहाँ कोई ऐसा नहीं है किताबों के अलावा भी जितना पढ़ सकते हो पढ़ो पढ़ने की आदत तो होनी ही चाहिए और मूवी देखो ऐसा नहीं है पंचायत सीरीज देखो फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है आपका पंचायत में वैसे तो इमोशनली मैं प्रहलाद चाह से बड़ा अटैच हूँ हाँ मतलब कभी कभी होता है ना कि आप ये नहीं ट्रेस कर सकते कि सामने वाला एक्टिंग कर रहा है मैंने बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं जिनकी एक्टिंग अच्छी होती है लेकिन कहीं ना कहीं पर प्रहलाद चाह की जो एक्टिंग है जैसे विनोद प्रहलाद चाह इन दो लोगों ने कैरेक्टर को जिंदा कर दिया है कहीं नहीं खाएंगे कहता तुमको कहीं नहीं कह रहे <laughs> तो बनराकस कहता है कि पढ़े लिखे आदमी चाय पीता बुचकून <laughs> वो जो मतलब ऐसा नहीं है कि जो बड़े पर्दे पे लोग एक्टिंग कर रहे हैं वही एक्टर्स हैं और एक मतलब आपको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट समझनी है आपको विलेज लाइफ समझनी है आपको प्रधान की ड्यूटी समझनी आपको रिलेशन बिटवीन अ प्रधान एंड अ एम समझना है आपको पढ़ने की क्या जरूरत है आप हिंसा और सेक्स की बजाय अगर आप पंचायत सीरीज देख लो तो आपको कितना नॉलेज गेन होगा उससे कि आप वुमेन एम्पावरमेंट की आप कंडीशन देख सकते हो रिजर्वेशन ब्रेजर्व, है उनके लिए लेडीज के लिए वहाँ पे रिजर्वेशन है लेडीज के लिए फिर डी एम साहिबा कितना अच्छा काम करती हैं जाके कहती हैं प्रधान जी चलिए हजन गणमन गाइए आज आप गाएंगी डीएम का ये सब रोल है वो रिप्रेजेंटेटिव है, है गवर्नमेंट का तो ऐसा नहीं है लिटरेचर एंड मूवी आर द मिरर ऑफ द सोसाइटी इनफैक्ट गानों से हिंदी और उर्दू आधे ज्यादा लोगों ने वहीं से सीखी है बिल्कुल अरे अगर आप एक गाना सुन लो जब जीरो दिया मेरे भारत ने तो दुनिया को गिनती आई मनोज कुमार तो आपको पता चल जाएगा कि जीरो का मैथ्स में इंपॉर्टेंस क्या है देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था धरती और चांद की दूरी का पहले गाने जो है ना थिंकर्स लिखते थे फिलॉसफर्स लिखते थे पोएट्स लिखते थे और क्या पिक्चराइजेशन करते थे अपने समय का मैं तो जब सिर्फ चार सौ बीस का वो गाना देखता हूँ नहीं आ, प्यार हुआ इकरार, इकरार हुआ, हुआ है, है प्यार से फिर क्यों, क्यों, क्यों डरता है दिल।, दिल।, दिल अब एक जो एक्टर है वो लेबर है वर्कर है एक्ट्रेस जो है वो भी लेबर है तो लेबर बारिश हो रही है बारिश हो रही है और छाते पे पैचेस लगे हुए पैंट में पैचेस लगे हुए तो लेबरर जो है वो मजदूर जो है अपनी मजदूर प्रेमिका से पूछता है कहता है कि प्यार हुआ है बेकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल और वो क्या जवाब देती है कहता है, है दिल रास्ता मुश्किल कहता है दिल रास्ता मुश्किल भीख मंगे हो तुम मालूम नहीं कहा मंजिल एक भीख मंगे से प्यार करने के बाद मंजिल का टीका वो सब आपको सोचने पर मजबूर कर देते बताते थे कैसे चीज़ों को किस एंगल से देखना है तो मतलब आप मूवीज देखो आप लिटरेचर पढ़ो आप नॉवेल्स पढ़ो डिस्कस करो डिबेट करो आपकी पर्सनालिटी ग्रूम करेगी आपको जीवन में बहुत मजा आएगा खूब चित्रहार देखे आप चित्रहार तो मतलब हमारे टाइम का तो सबसे नोबल चीज हुआ करता था। दर्शन भी नहीं छोड़ते थे नहीं पहली बार जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आई तो ये बात बड़ी बड़ी प्यारी पॉइंट है कि जब पहली बार घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आई तो बैठ के कृषि दर्शन देखी कीटनाशक का प्रयोग कैसे करें हालांकि उससे हमारे जीवन को लेना देना नहीं था लेकिन इस बात की खुशी थी कि भाई घर में टीवी आई और वो वो दूरदर्शन का का जो यिन का आ, वो बेसन का वो गोला था और जैसे ही मूवी के बीच में लाइट जाती थी तो लगता था भगवान आज ही बिजली विभाग अगर समा जाता समंदर में तो बहुत अच्छा था तो बड़ा क्रेज था और वो जो एक पेपर पे लिख के बीच आता था रुकावट के लिए खेल बीच में सरकाया जाता था कैमरे के सामने मोटिवेशनल स्पीकर बहुत हो गए मार्केट में तो इसको बनने की भी कोई प्रक्रिया है कोई कॉलेज है मोटिवेशनल स्पीकर कैसे बने मैं तो युवाओं से अपने देश के कहूँगा कि ठीक है मोटिवेशनल स्पीकर भी थोड़ा होमवर्क करते हैं कुछ कहानियाँ सुनाते हैं अच्छी सुनाते हैं बढ़िया बढ़िया कहानी सुनाते हैं उनसे आपको क्लू मिल सकता है बड़े सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को मैंने देखा कि वो बड़ी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं ठीक है बड़ा अच्छी बात है मैं उसको डिनाई नहीं करता लेकिन मोटिवेशन मजदूरों के लिए होता है राजा के लिए मोटिवेशन नहीं होता अगर आप चाहते हैं कि आप जिंदगी में कुछ करें तो आपको इंटरनल पावर को डेवलप करना होगा और वो खुद से करना होगा और वो खुद से करना होगा और दो ही तरीके और कोई तरीका ही नहीं एक ध्यान एक योग मोटिवेशन ठीक है आप कुछ लोग आजकल मोटिवेशन सुनने के आदि हो गए सेल्फ हेल्प बुक्स इतनी बिक रही हैं तो वही होगा अमीर बनने के फॉर्मूले 10 of a <laughs> बनने के आप पढ़ रहे हो धनी बनने के चक्कर में पढ़ रहे हो पर पढ़ तो रहे हो लेकिन आप उनको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे अब एक है कि फाइव ए एम क्लब अब आपने पढ़ तो लिया लेकिन भाई साहब पांच बजे सुबह उठना किसी चीज को जानना इस दुनिया में 95 फाइव परसेंट लोग सिर्फ इसलिए असफल है ऐसा नहीं कि वो नहीं जानते वो सब कुछ जानते हैं दुनिया में सबसे चैलेंजिंग काम है अच्छी जानकारी को इंप्लीमेंट करना नहीं सही समय पे याद भी आना हाँ इंप्लीमेंट करना जैसे मैं परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक जीवन में कष्ट नहीं होगा ये लॉ है मैं क्रिया योग के आश्रम गया दस दिन रहा मुझे पता था कि यहाँ मेरी हैबिट बदलेगी क्योंकि तो किसी भी आश्रम में आप जाओगे आपको आश्रम के नियम के हिसाब से रहना पड़ेगा अगर आपको लगता है कि आपकी जीवन खत्म हो चुका है आप किसी एक आश्रम चले आओ मैं क्रिया योग के आश्रम में रहा अब वो तो साहब सोते ही नहीं क्रिया योगी एक इसी चक्कर में एक साहब को चेक करने के चक्कर में मैं बाईस घंटा बेहोच रहा वो आदमी सोया ही नहीं क्रिया योगी वो नींद को डिनाई करते हो कहते हैं नींद की एनर्जी को आप कन्वर्ट कर लो भोजन सादा उबला हुआ आलू वो भी बिना नमक के फिर सक्तीसगढ़ का जो हमारे गुरु जी का आश्रम है बर्चर का आश्रम है तीन बजे लोग उठा दिया थे। आश्रम वो जगह है जहाँ आपकी हैबिट्स को तोड़ के नई हैबिट डेवलप की जाती है तो जितने भी युवा हैं या जो भी लोग चाहते हैं कि मेरा जीवन बदले और नहीं बदल पा रहा है वो मोटिवेशन अगर सुन रहे हैं अच्छी बात है पर कोशिश करें कि 10 दिन 12 दिन 15 दिन किसी आश्रम को ज्वाइन करें और वहाँ 15 दिन रह के अपनी ये जो मन की हैबिटें हैं इनको तोड़ें यहाँ पॉइंट क्या है आज वो गमछा कहाँ गया आपका वर्ल्ड फेमस गमछा मैं उसे निकाला कि जो है गमछा लेके चलना है पर बैग में रखना भूल गया मैं फेमस तो हो गए आप जितना आप है उससे ज्यादा फेमस आपका गमछा बहुत सारे लोग देख रहा हूँ सर पे मुरेठा बांध के एकदम हाँ उसी बहाने गमछे की इज्जत इस देश में वापस लौट आई है गमछा तो हमें मतलब मल्टीपर्पज गारमेंट वैसा बना नहीं आज बिल्कुल आप उसमें, उसमें, आप उसमें, आप उसमें का का <laughs> तो चीज है <laughs> अच्छा ये अभी जो पेपर वेपर लीक हो रहे हैं हम तो खैर वैसे पेपर पास होने का हमारा उतना कोई स्कोप था नहीं लेकिन जो पेपर लीक हो रहे हैं इसके बारे में क्या कहना है इतने लोगों ने पढ़ाई की अब कह रहे हैं कि नंबर कम कर देंगे कैंसिल नहीं करेंगे नहीं पेपर तो खैर इतने सारे एविडेंसेस सुप्रीम कोर्ट के पास खुद ही हैं मतलब मैंने नीट वाले मुद्दे ये अभी से हो रहा है आपको लगता है बहुत प्राचीन काल से हो रहा है ये तो हाँ, शुरू मतलब हमें तो लगता है कि करप्शन को आइडियली कभी पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता कोई भी वो पॉसिबल भी नहीं है पर अगर जब वो बिलो टेन रहता है तो सोसाइटी को हार्म नहीं करता पर जहां वो टेन से एक्सलरेट करता है मतलब उसका दायरा बढ़ना शुरू होता है फिर तो फिर तो वो बहुत नुकसान पहुंचाता है और सोसाइटी नेशन वगैरह सबको पहुंचाता है तो उस मुद्दे पे तो मेरी ए बी, बी, बी से बड़ी डिटेल में बात हुई थी कि कैसे जो है बिहार में लोग पकड़े गए उनका वो सेंटर्स जो हजारीबाग से हजारीबाग से, से, से पकड़े गए तो उस पर तो बड़े सारे अभी तो सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन दे ही रहा है सिटी वाइज कैलकुलेशन निकाल रहा है कि कहाँ से कितने लड़के पास हुए तो मुझे लगता है कि चल तो रहा ही है यह क्योंकि माना है कि हाँ स्कैम तो हो ही रहा है ये सब तो हो ही रहा है उसमें तो अब तो कोई इफ एंड बट का मामला ही नहीं है पर फाइनली कोर्ट क्या डिसीजन देती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा तो इसमें उन बेचारों की क्या गलती है जो बेचारे पढ़ के गए थे उन बेचारों की बस इतनी गलती है कि वो एक ऐसे देश में पैदा हुए हैं जहाँ रिसोर्सेस कम है एस्पिरेशन ज्यादा है और कीमत कम है इस देश की पॉपुलेशन इस देश की सबसे बड़ी समस्या है और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है लेकिन स्ट्रेंथ तब होती जब हर आदमी विवाता के साथ साथ युद्ध कला में कौशल होता कि मतलब हमारे पास एक ट्रेंड युवा जेंट्री होती कंपलसरी आर्मी ट्रेनिंग होनी चाहिए लेकिन अगर ऐसा होता तो विधायक और प्रधान बहुत मारे जाते <laughs> उनकी मजबूरी है ना अगर वो ऐसा कर देते ये जो हमारे नेता शौक से दिल्ली में शान से गमछा उमछा डाल के और इधर उधर और तिटाई लगाए बैठे हुए ये नहीं बैठ पाते इनका किस्मत ही अच्छा है कि हमारे देश के लड़के को बजट नहीं पता है क्या होता है इनकी किस्मत अच्छा है कि उसको राज्यसभा और लोकसभा में पता नहीं है उसको लगता है राज्यसभा में जो पुराने राजा घराने ग्वालियर व्वालियर के थे वहाँ से जो लोग जाते हैं साहब ने कहा उनसे होता भी था ऐसे ही हाँ उन्होंने कहा कि साहब वो जो जो लोग प्रिंसेस फैमिली वाला था वही लोग जाते हैं मैंने कहा हाँ हा, वही जाते हैं तो जिस देश में शिक्षा पाने के बावजूद लोगों को पता नहीं कि कंट्री की डेवलपमेंट जीडीपी में क्यों तय की जाती है एक नेता जी हमको फोन किए गए यार मैं एक जगह डिस्कशन में बैठा हूँ जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है <laughs> हमने कहा याद तो इस वक्त हमको भी कुछ नहीं बता देते <laughs> नहीं <है>। <laughs> <बढ़िया>। <laughs> बत, 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 हमने कहा हमने कहा अच्छा चलो ठीक है ले लो, लो बताया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फिर बॉस अगर परिभाषा पूछ लिया तो पास जाओगे तो खैर मैं कहूँगा कि जिस दिन वो युवा को पता चलेगा तो शायद चीजें थोड़ा सा कंट्रोल होंगी अच्छी होंगी आपका पॉलिटिकल स्टैंड क्या है फार लेफ्ट फार राइट जो सेंटर में है वो ठीक है क्या पर्सनली यही सवाल श्री कृष्ण से भीषम पितामा ने पूछा था कि हमको बाणों की पे मत <laughs> नहीं नहीं, 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 नहीं।, 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 नहीं। भीषम पितामा आपको क्या लगता है कि जो कुछ आपने किया वो सही है तो उन्होंने कहा कि देखो के समय में सब लोग जब श्रीराम का दौर था तो वहां जो विलेन था वो भी के एक लेवल को एक्सेप्ट करता था पर यही श्री कृष्ण की डेफिनेशन थी कि वहां भी वो चाहे रावण के पक्ष के लोग थे लेकिन वो भी कुछ ना कुछ इथिकल थे मॉरल थे नियम को मानते थे कानून को मानते थे तो उनके साथ प्रभु श्री राम को कोई दिक्कत नहीं आई इथिक्स और मॉरल को फॉलो करने में लेकिन मैं जिस युग में रह रहा हूं वहां कोई इथिक्स और मॉरल नहीं मानता तो अगर मैंने माना तो मैं मारा जाऊंगा तो एक मूवी आई थी बड़ी प्यारी

कल जितने लोग कांग्रेस में बैठे थे बहुत सारी पार्टी कितनी अदला बदली होती है रातों रात स्टैंड चेंज होता है पॉलिटिशियंस मतलब लीडर्स अपनी पॉलिटी चेंज कर दे रहे हैं आज इस पार्टी में 24 घंटे बाद दूसरी पार्टी में फिर तीसरी पार्टी में तो आज का जो दौर चल रहा है जहां किसी व्यक्ति का कोई स्टैंड ही नहीं है तो हम क्या उन पर स्टैंड लें हम उनसे कैसे निपटेंगे भाई अगर मैंने पृथ्वीराज चौहान की तरह मोहम्मद गौरी से झगड़ा किया तो मेरा हाल पृथ्वीराज चौहान वाला ही होगा मुझे छत्रपति शिवाजी का मॉडल अपनाना पड़ेगा गुरिला जैसे को तैसा जैसे को तैसा कि अफजल खान ने बदतमीजी की तो हाँ कुछ भी हो अगर हमने छत्रपति शिवाजी का मॉडल नहीं अपनाया तो हम फंस जाएंगे दौर ऐसा चल रहा है अंबानी वेडिंग में आपको इनवाइट नहीं किया अरे हमको कहा अंबानी जी इनवाइट करेंगे हालांकि मैं उनसे कम नहीं हूँ क्योंकि पैसे और ज्ञान में हमेशा ज्ञान ज्यादा बड़ा माना गया है लक्ष्मी और सरस्वती में सरस्वती को ऊपर दर्जा दिया गया है बिल्कुल तो ये बात अहंकार की नहीं है गुरु के आशीर्वाद की बात है और हो सकता है शायद उन्हें याद ना आया हो पर उनकी इस विवाह जो फंक्शन था उससे बड़े सारे मैसेजेस गए क्या सीखा आपने नेक्स्ट क्वेश्चन था मैंने सबसे पहली बात मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि आप जिस दुश्मनी भाव को रखते हो आप देखो उनकी शादी में कौन नहीं पहुंचा पैसा किसी को भी खरीद सकता है पैसा किसी को भी दबाव में ले सकता है कोई भी पहला तो मैसेज यही था दूसरी बात अगर उस व्यक्ति ने पांच हजार करोड़ खर्चा किया तो पच्चीस हजार करोड़ निकाला भी जैसे मैं देखता हूँ हमारे शहरों में गांव में लोग दूसरे को देखकर फंक्शन करते हैं अंबानी मत बनिएगा वो आदमी बिजनेसमैन है उसको पता है पांच हजार करोड़ खर्चा करके पच्चीस हजार करोड़ सारे इवेंट से कैसे निकालना है तो बीस हजार करोड़ के प्रॉफिट में है दूसरी बात नेक्सेस बिटवीन ऑल द द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी चाहे प्रीस्ट हो चाहे पॉलिटिशियन हो चाहे एक्टर हो सब गुड मॉर्निंग सर सारे लोग पहुंचे हुए थे इस सदी की मुझे लगता है भारत की सबसे महंगी शादियों में से एक रही होगी आनंद अंबानी जी को और राधिका जी को मैं यहां से तो बधाई दे ही सकता हूं उनको मैरिड लाइफ की कि वो अपने पिता की संपत्ति को बढ़ाएं परिवार बढ़ाएं खुशी रहें लेकिन शादी ने बहुत सारे मैसेज दिए एक तरफ देश में अलग इश्यूज चल रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर गुंडई स्कैम उधर शादी में सब बिजी हैं हमारे देश का लॉ एंड ऑर्डर कभी सुधरेगा क्या कानून व्यवस्था यहाँ पे वही रहेगी जिस देश में अपराध करना प्राइड माना जाता हो आप लिख दो बाहर अभी ऑफिस में कि यहाँ थूकना मना है लोग वहां थूक के सेल्फी बना के दिखाएंगे लोगों को देखो थूक है है कि देखे यही लिखे थे जिस देश में कानून तोड़ने को एक अचीवमेंट माना जाता है कि भैया हेलमेट लगाने के लिए देखो हम बिना शहर में बिना हेलमेट लगाए घूमते हैं तभी तो खुरुच के आते भी हो घर हेलमेट तो सेफ्टी के लिए लगाए आधे ज्यादा तो यहाँ कोनी पे हेलमेट लगाए घूम रहे होते पता नहीं क्या है। पता है नहीं यूसुफ है हजरत यूसुफ हैं कि जो है वो नार्सिस जो कैरेक्टर है वो हैं ऐसे क्या उनसे कि विवेकानंद है कि लोग आपको देखना चाहते हैं भाई हेलमेट बनाया गया है आप क्योंकि अगर आप गिरे हल्की सी चोट आई तो आप निकल लिए नहीं कईयों का दिमाग घुटनों में या कोनी में होता है ना तो इसलिए वहाँ लगाते हैं हाँ ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है अब ये नियम कितना प्यारा है पुलिस वालों को तो इसके लिए खड़ा ही नहीं होना चाहिए मतलब मैं सोचता हूँ जब मैं पुलिस वालों को हेलमेट चेक करते देखता हूँ तब तो मैं सोचता हूँ कि अच्छा किया भगवान कृष्ण हथियार लेकर आए थे पुलिस वालों पर दया नहीं आती है बहुत दया आती है बेचारे बेल्ट चेक करते हैं सीट बेल्ट अरे लड़ जाओगे तो काट के इतने छोटे छोटे टुकड़े में निकाले जाओगे एक्सप्रेस वे पे कितने एक्सीडेंट्स होते हैं जिसमें लोग टुकड़े में काट के निकाले जाते हैं वो सब आपकी लेकिन कहते हैं हम बेल्ट नहीं लगाते हमको कौन रोकेगा तो जिस देश में ये एटीट्यूड है ये एटीट्यूड कहाँ से आया इस देश में बाकी देशों में तो नहीं है नहीं कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि संस्कृति से जुड़ी होती है कल्चर एक्सप्लेन जैसे होती है कल्चर जैसे हमारे यहाँ जो नाटक लिखे जाते हैं ड्रामाज लिखे जाते हैं वो बेसिकली सुखांत होते हैं हैप्पी एंडिंग हुँ. होते हैं पर वेस्ट में हाँ ट्रेजेडी होते हैं तो ये हमारा कल्चर है जैसे हमारे 1857 का रिवोल्ट हुआ तो हमने कहा कि द गदर ऑफ 1857 हमको भोकाल बहुत पसंद है लेकिन जब वही घटना अमेरिका में घटी सेवनटीन अब, 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 अमेरिका की हिस्ट्री क्या कहती है बॉस्टन टी पार्टी क्या टर्म करते हैं कल्चर है उनके यहां राजा का सर कलम कर दिया गया गिलेटीन उसको कहते हैं ग्लोरियस रेवोल्यूशन रोज रेवोल्यूशन क्या हमारे यहां अगर होता कहते आ, टर्म निकालते राजा को किया हलाक बाप के भी बाप न्यूज चैनल न्यूज चैनल से साइन कर लो डील हेडलाइंस की हाँ, मतलब पता नहीं यहां के लोगों को क्या मजा मिलता है किसी का ऐड करते है, कहते हैं टायरों का बाप अरे भैया सीमेंट का बाप अरे यार वो दरअसल साइक में घुसा गुछ, हुई चीज है गाड़ी ले चला रहे हैं तो पीछे लिख रखा महाकाल एक हाथ मार दो दोबारा सांस ऊपर ना आए बस एक हाथ मतलब कायदे से पुलिस वाला अगर एक हाथ मार दे, <laughs> दे। हाँ, तो दोबारा नहीं आएगी पीछे लिखा रखा महाकाल पता नहीं क्या खड़े होते हैं इसे टेढ़ा करके इसे खड़े होते हैं कौन से कहां से आए ये है? क्यों है? कहां से हमारे कल्चर में क्यों इज इट कि हम किसके सामने बड़ा दिखना चाहते हैं एक्चुअली एग्रीकल्चरल इकॉनमी है इंडिया इज एग्रीकल्चरल लैंड और एग्रीकल्चर हमेशा बाहुबली के पास रहेगी

अकलेश भैया फ्यूचर हैं मतलब जितने भी अभी कितने कितना फ्यूचर मतलब इमीडिएट फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर कंटीन्यूअस कितने दूर जाना पड़ेगा जैसे अखिलेश भैया ने एक बार साइकिल यात्रा की हां फिर करनी चाहिए इनको इनको अपने पिताजी से अपने चाचा जी से बहुत सारी चीजें सीखनी चाहिए बाहर निकलना चाहिए जनता मानती है कि आप यंग आदमी अभी बड़ा इन्होंने अपने आप को रिफ़ॉर्म किया है जैसे पिछले इलेक्शन में मैंने देखा था कि थोड़ा सा आउटस्पोकन हो गए थे जैसे सी रहे हैं ना और सी को सी की भाषा बोलनी चाहिए है पुलिस ए पुलिस ए, ए, ऐसे नहीं है जैसा कि कुंडा में कुंडी लगा देंगे ये ये सब गलत बात है आप ऐसा बोलिए आपके शब्द आप एक फॉर्मर से आप किसी को कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो आपकी भाषा में एक शालीनता तो अच्छी तालीम भी आप ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं आप कौन सा जाए इंटर कॉलेज से पढ़े हुए हैं आप तो ऑस्ट्रेलिया <laughs> से पढ़ के आए तो थोड़ी नफासत तो आप में होनी चाहिए और पब्लिक कनेक्ट पब्लिक जब अपने राजा को चूसते हुए देखती लड़ते हुए देखती राहुल गांधी ने दिखाया नहीं राहुल जी का प्री निकल गया हमारे यहाँ कट ऑफ जाता है और बेचारे ने मेहनत और मैं तो बाग उनको कहना चाहूँगा कि पहली बार हालांकि मैंने भी उनका कम मजाक नहीं उड़ाया है मैंने भी बहुत उड़ाया है लेकिन वही मजाक शायद उनके जीवन में दवा का, का काम किया होगा इस दुनिया में उन्हीं लोगों ने राइस किया जिनका या तो मजाक उड़ाया गया या जिनकी बेजती हुई वो चाहे चाणक्य हो चाहे डॉक्टर अम्बेडकर हो चाहे गांधी जी हो सब और 20 साल उस आदमी ने जो पप्पू सिंड्रोम झेला और जब उस आदमी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि हाँ मैं पप्पू हूँ तब no. मुझे लगा कि याद तो no. हाँ मुझे लगा या तो आदमी निर्वाण की तरफ जा रहा है और फिर या मेंटल असाइलम जा रहा है लेकिन जब उस आदमी ने दोनों कोना भारत का कवर किया और मेहनत किया hmm. जनता ने रिजल्ट अगला मेरा नाम वही था राहुल बोल ही दिया आपने योगी जी अपने बाबा जी बाबा जी एक स्टर्न लीडर है हार्ड मतलब पढ़े लिखे तो हाँ है ही हैं क्या लोग परेशान हो गए उनकी एकदम स्टर्न फैक्टर से कुछ चीज़ें तो उनकी मैं पर्सनली उनसे या इस से कहूँगा कि जैसे जब वो बुलडोजर चलाते हैं तो मेरा मानना यह है कि उसमें थोड़ा सा रियायत ज़रूर दें एकदम दें क्योंकि घर बनाना मैंने जब पहला घर बनाया तो मुझे एहसास हुआ कि घर बनाना कितनी बड़ी चीज़ होती है ठीक है मैं जानता हूँ पच्चीस करोड़ एक अमेरिका को डील करते हैं वो यूपी मतलब अमेरिका और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भारत से पाँच गुना बड़ा है और वहां सिर्फ तीस करोड़ लोग तीस करोड़ लोग के लमसम पच्चीस करोड़ यूपी में तो मैं उनकी प्रॉब्लम समझता हूं क्योंकि वो जानते हैं कि और इत... वो भी ऐसे बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल वो इतनी खतरनाक जनसंख्या को वो हैंडल करते हैं तो मैं जानता हूं उनको कठोर तो होना ही पड़ेगा लेकिन कहीं कहीं उन्हें इवेलुएट जरूर करना चाहिए मतलब एक बार जब वो डिसीजन लेते हैं बुलडोजर का तो मुझे लगता है उनको इवेलुएट करना चाहिए कि यार यहाँ कंडीशन है या नहीं है बाकी पर्यावरण पर वो काम कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट पर वो काम कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर वो काम कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर तो भैया उसमें कहने की कोई बात ही नहीं है अगला नाम आपने केजरीवाल साहब इनका समझ नहीं है पढ़े लिखे हैं सिविल सर्वेंट भी रहे हैं फिर ये तो फिर कैसे ना दोष दे सिविल सर्वेंट्स को लोग कुछ ज्यादा पढ़ लिए इनकी एक ही दिक्कत है पहली गलती किसी भी व्यक्ति को जो उसके अच्छे सिपाहलार होते हैं उनको नहीं खोना चाहिए मतलब इनके जो फाइटर्स थे ओरिजिनल अन्य मूवमेंट वाले लोग थे उसमें बड़े सारे लोग थे जो इनको अब बहुत काम आते हैं अगर दो तीन लोग उसके अभी भी मैं आपसे कहूं कुमार विश्वास जैसे जो लोग थे अगर वो अभी भी इनके साथ रहे होते तो कम से कम दो लाख आदमी को तो सड़क पे इनके लिए उतार ही देते लेकिन इनको लगा कि तुम्हारा काम खत्म हो चुका है और काम किसी का कभी ख़त्म नहीं होता अपेंडिक्स बॉडी में पड़ी रहती है अगर बिगड़ जाए तो ऑपरेशन करना पड़ता है तो इन्होंने कुछ ज़्यादा ही दिखा दिया कि भैया मैं बहुत ज़्यादा वेकेंड हूँ हालांकि ठीक है ये भी बेचारे अपने दौर के मारे हुए हैं कि ये जिस युग में रह रहे हैं वो भी कृष्ण का ही युग है तो इनको भी बहुत सारा दंश झेलना पड़ा बड़ा बड़ा सारा आ, पेन बर्दाश्त करना पड़ा तो मैं समझता हूँ जब ये अपनी बात को कहते हैं फिर उसको रिवर्ट करते हैं तो मैं समझता हूँ कि इनकी बेचारे गलती नहीं है तो युग का विश्लेषण है वो तो करना पड़ेगा लेकिन वो गलती उन्हें नहीं करनी चाहिए थी और दूसरी बात यह थी कि मेरा जहाँ तक मानना था पर्सनली कि दिल्ली का सीएम उन्हें खुद नहीं बनना था अगर वो दस साल रुक जाते और वही जो शर्ट बाहर निकली है और चप्पल पहनने और गमछा बांध के प्रधान जी की तरह घूमे रहे, रहे और तो चौबीस अरविंद केजरीवाल का था, था दिल्ली में सीएम होना चाहिए या जैसे पहले सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर होते थे और काौ, एडवाइजरी काउंसिल होती थी नहीं अगर हम टेरिटरी वाइज देखें हाँ. तो ठीक है मतलब एक कैपिटल रीजन है और टेरिटरी लार्जर है तो सी ठीक है चलेगा और वो स्टेट हुड का दर्जा मांग ही रहते कि हमें स्टेट हुड दिया जाए तो मतलब ठीक है ऐसा नहीं है कि नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से होना चाहिए सी एम दिल्ली तो इतनी जो खींचा तनी दोनों में लगी रहती है अब चूंकि इसकी क्रूशलिटी इतनी हाई है दिल्ली की अगर पुलिस हम दिल्ली के सी को दे देते तो दिल्ली का सी आज बहुत पावरफुल होता वो तो नहीं है हाँ वो नहीं है दरअसल पुलिस स्टेट सब्जेक्ट होता है ना हाँ। और वो नहीं है इसीलिए दिल्ली के विधायकों की कोई वैल्यू भी नहीं है ऐसे जितनी वैल्यू हमारे तरफ विधायकों की है उतनी नहीं है यहाँ उन्नीस के विधायक आज तक गाड़ी में लगा के घूम रहे होते तो हैं उनके परिवार वाले पूर्व विधायक हाँ तो वो चीज़ है। आ, है दीरे दीरे, तो चीज है लेकिन ठीक है धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ेगी तो चीजें चेंज होगी

मैं आपका वेबसाइट देख रहा था सिम सिम कोर्स क्या है एक्चुअली हमने बचपन में कहानी पढ़ी थी अली बाबा 40 चोर खुल जा सिम सिम खुल जा सिम सिम जिंदगी में भी जिसको सिम सिम का कांसेप्ट पता चल गया जैसे आप शादी करना चाहते हैं तो पहले जान ले कि शादी है क्या शादी फैमिली इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन और फैमिली जब आप शादी करते हैं और आप फैमिली बनते हैं तो वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बढ़ जाती है ये तो शादी करने के बाद ही पता लगता है ना इसीलिए तो लोग परेशान हो जाते हैं अब जिसकी शादी हुई मान लीजिए मेरी शादी हुई पत्नी घर आई उसको पता है कि अब एक इंस्टीट्यूशन रन करना है और मैं उससे मिला मैंने उसको कहा कि भाई ये दो लाख रुपए रख और हर महीने मुझे तो मैं लमसम इतना दे दिया करूँगा आपको परिवार चाहे तो वो लड़की कितना खुश होगी कि नहीं नहीं यार बड़ा सेंसिबल हस्बैंड है सिर्फ आई लव यू कहने से थोड़ी जीवन चलता है आपने क्या किया था मैंने तो यही किया था कि भैया तुम चिंता मत करना पैसे की चिंता तो बिल्कुल मत करना भले ही मुझे कुछ भी करना पड़ा और मैंने कुछ भी किया मैंने होटल में रेस्टोरेंट में काम किया मैंने मेरी वाइफ को एक समय तक पता ही नहीं चला कि मैं किस दौर से दिल्ली में गुजर रहा था और वाइफ को क्या किसी को नहीं पता चला क्योंकि सब कुछ से कट ऑफ हो चुका था मैं कोई सौ रुपए मार्केट वैल्यू कुछ थी ही नहीं उस वक्त कि भाई कोई सौ रुपए उधार दे दे मांगने पर और सपना था कि भैया अब इंस्टीट्यूट रन करना ऐसा करना वैसा करना तो मेरा मानना यह है कि कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में जब आप जा रहे हैं तो पहले आप आर एन डी करें रिसर्च एंड डेवलपमेंट कि अब इसकी नेसेसिटी क्या है तो सिम सिम यही है कि जब आप आई एस बनने जा रहे हैं तो आप ये जान लो कि भैया जोग्राफी क्यों पढ़ना चाहिए अगर आपको जोग्राफी नहीं आती तो आप तो सऊदी अरेबिया में जाके टाई की दुकान खोल दोगे और आप पड़ जाओगे घाटे में क्योंकि टाई तो वहाँ का ड्रेस है नहीं सर पर वो सर पे बांध लेंगे किसी को पकड़ के लटका देंगे उसमें उनके वही काम आएगी वो तो ज्योग्रफी जानना बहुत मस्त है भाई आप आ, अगर जोग्रफी नहीं जानते हो टेरेन नहीं जानते हो इन्वेस्टमेंट अगर बिना ये सब समझे कर दोगे भाई हमारे पास जितनी एमएनसी 91 के बाद आई ज्यादातर ने डेकिन के उस पार का रीजन चुना पूना चुना हैदराबाद चुना मद्रास चुना बेंगलोर चुना क्लाइमेट क्लाइमेट और ट्रेन ईज ऑफ मूवमेंट ईज ऑफ मूवमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जोग्रफी इकॉमी क्यों पढ़ना है अब जिसको आज की डेट में बैंकिंग नहीं पता वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को कैसे समझेगा जब तक बैंकिंग नहीं पता होगी आप इंडस्ट्रियल रेवोलूशन को कभी समझ ही नहीं सकते तो सिम सिम कोर्स मैंने डिज़ाइन किया है कि जितने लोग तैयारी कर रहे हैं उनको एक जो बेसिक्स होता है एक अगस्त से वो कोर्स शुरू हो रहा है और वो पाँच सौ महीने का कोर्स है एनसीआर पढ़ाऊंगा मैं उसमें प्लस उसमें जो करंट इश्यूज होते हैं जैसे अभी मैं आचार्य रजनीश की किताब है सेक्स टू सुपर कॉन्शियस सवारी तक कैसेट भी आती थी।, थी, थी उसकी हाँ मैं उसको पढ़ाने जा रहा हूँ अच्छा मैं उसको पढ़ाने जा रहा हूँ क्योंकि वो आजकल मैं देख रहा हूँ लड़के बहुत परेशान बहुत होंगे संभोग पे निकल लेंगे सवारी तक नहीं नहीं उनको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये इतना बड़ा मुद्दा है जैसे हम हमारे लोग क्या करते हैं यूरोप को इमिटेट करते हैं उनसे लर्न करना चाहिए जो यूरोप ने इंडिया से किया हाँ वो लर्न करने के बजाय इमिटेट करते हैं इमिटेशन इज ऑलवेज सुसाइडल लर्निंग इज प्रॉफिटेबल आप किसी से कोई चीज सीखते हैं तो बहुत अच्छी बात है तो मैं सिमसिम के अंतर्गत यही करने जा रहा हूँ करंट इश्यूज़ एक घंटा मैं एनसीआर टी पढ़ूंगा और एक घंटे करंट इश्यूज पर चर्चा करूंगा ठीक तो ये तो हो गया अरेबिन नाइट से सिम ब्लूटूथ कोर्स क्या है वो ब्लूटूथ को ही मैंने कन्वर्ट किया है सिमसम अच्छा उसी को कन्वर्ट किया है प्लस सिमसिम कोर्स में एक और सबसे खास बात ये है कि इसमें मैंने आई की जो पूरी जानकारी है जैसे किसी को नहीं पता कि भाई प्री क्या है मेंस क्या है मेंस में कितने पेपर हैं इंटरव्यू कैसे होता तो ए से जेड तक पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने सिमसम कोर्स में डाल दी मतलब आपको यहाँ तक मैंने बता दिया है कि भाई साहब कौन सी शर्ट पहनकर किस वक्त पढ़ना चाहिए तो पूरी इन्फॉर्मेशन मतलब एक बार क्या ये जरा एक्सप्लेन करिए कौन सी शर्ट पहन के <laughs> नहीं मेरा यह कहने का मतलब ये था कि जैसे आप अगर सिल्क का कपड़ा पहनेंगे गर्मी में तो, तो पसीने पसीने हो जाएंगे स्वेटिंग होगी डिहाइड्रेशन फील होगा और ज्यादा डिहाइड्रेशन हुआ तो आप वॉशरूम ज्यादा जाएंगे पानी ज्यादा पियेंगे टाइम वेस्ट होगा तो टाइम मैनेजमेंट आपका खराब होगा तो आप कोशिश करिए अगर आप अकेले लाइब्रेरी में बैठे हैं तब तो एक सॉफ्ट कपड़ा पहन के वहां ऐसा नंगे चले जाइए लेकिन अगर आप घर में बैठे हैं तो एक सॉफ्ट कपड़ा पहन लीजिए और आराम से पढ़िए तो वो सारी खाना कैसे खाने जैसे खाने पर मैंने चर्चा की है अब सुबह सुबह आप उठे पांच केला खा लिए दो गिलास दूध गिला अंडा ये भर गया तो जब ये भर जाता है पेट तो ये निकम्मा हो जाता है क्योंकि सारा ब्लड जो है डाइजेशन के लिए चला गया एग्जैक्टली वो फिर कहता है यार यूट्यूब में वो गाना लगाओ कजरारे कजरारे वाला फिर वो वैगनर पे काम नहीं करता वैगनर प्लेट टेक्टोनिक तो वो तो फिर वहां जाता ही नहीं इसलिए खाने का कपड़े का टाइमिंग का जैसे आप रात में कोशिश करें जितने भी लोग तैयारी करते हैं या पढ़ते हैं वो कोशिश करें कि दस से एक के बीच में सो लें वो बहुत प्यारा समय है नींद का अगर आप दस से एक दो के बीच सो लेंगे जैसे आजकल लोग कहते हैं मैं रात में पढ़ता हूं आपको नींद ही नहीं आती रात में बहुत सारे लोग तो पढ़ाई है। के अलावा हर चीज होती है हाँ बिल्कुल वो मन एक, एक मन क्या करता है बहाना बना लेता कि भैया हम पढ़ रहे थे और जो भी पढ़ने वाले लोग हैं वो मोबाइल से दूरी बना लें नहीं तो कयामत तक पढ़ेंगे तो पढ़ते रहेंगे तो यू सिम सिम वाला जो कौर्स है ये सब की चर्चा मैंने उसमें की है कि आपके जैसे आप बाहर निकले आपने एक चैप्टर तैयार किया प्रियम्बल और आप बाहर निकले कमरे से भाई आप निकलेंगे ही निकलेंगे आप बाहर निकले अब आप ज, आ, हम बाहर निकले तैयार करके आपसे रास्ते मुलाकात हो गई आप भी एक्सपेरेंट हैं मैंने कहा यार भाई साहब ये भाव बताओ यार ये सोशलिस्ट वगैरह बाद में क्यों ऐड किया अब इससे पहले आप यहां से पैसा लेके कराए अब इससे पहले आप हमसे कहें कि वो राखी सावंत जी दूसरी शादी करने जा रही मैंने आपको मुद्दा दे दिया तो बात भी करनी है तो अपने कंडीशन पे करनी है अपने फील्ड में अपने फील्ड में करनी है कि वो जो हमारा बाहर का एक घंटे का कन्वर्सेशन है चाय पीते पीते वो भी प्रॉफिटेबल हो जाए ऐसा नहीं कि बाहर नहीं जाना कमरे में पड़े रहे हाइबरनेशन में चले गए दस साल बाद बाहर निकले तो देखे यार मार्च पे लोग घूमने जा रहे हैं इतना भी नहीं होना चाहिए तो आपका और आपका संगत कैसा होना चाहिए भले ही किसी को चाय पिलानी पड़े दिन में तीन बार पर उस लड़के से दोस्ती करो जो आपके पास बैठ कर सवाल इकनॉमी पॉलिटी जोग्राफ़ी आयार से करता है तो ये सारे फैक्टर सारे फैक्टर अगर जैसे बहुत सारे लड़के हैं उनके माँ बाप इस फील्ड में नहीं जानते क्या है तो बेचारे कहते हैं फ़ोन पर भैया पट्टीदार लोग परेशान किए हैं ज़मीन कब्जा किए ले रहे हैं मजबूर हैं वो बेचारे अच्छा वो सोचते हैं कि यार हम ऐसा बच्चे से कहेंगे तो बच्चा और प्रेशर में आके बढ़िया और प्रेसर में आके पढ़ाई करेगा तो आप उन सब उनसे कहिए कि बहुत जल्दी मेरी पहली पोस्टिंग ही सेक्रेटरी टू पी होने जा रही अम्मा और हमको तो डायरेक्ट इंटरव्यू से लेने जा रहा है बस बाबा एक सन्यासी मिले तो वो कहे थे कि अम्मा पापा से कह दो कि छह महीना तुमसे तैयारी पे कोई बात ना करे नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा जब बहुत सारी चीजों को हम समाज में इस्तेमाल करते हैं तो ये भी तो कर सकते हैं कृष्ण भगवान वाली फ्लॉस अली <laughs> की जो है अपने मुद्दों पे बने रहना है एक किताब भी आप लिखें कुछ क्वेश्चन पेपर आंसर वाली एक्चुअली प्रिपरेशन में दो चीजों का बड़ा महत्व है मतलब लोग किताब खरीदें या ना खरीदे क्वेश्चन बैंक है बेसिकली मैंने बहुत लोगों को देखा अभी मेरे पास लोग लड़के आते हैं सर मैं चार साल से प्रॉब्लम दे रहा हूँ मेरा नहीं हो रहा है मैंने पूछा अच्छा बताओ औरंगजेब पर आज तक कितने क्वेश्चंस बने नहीं पता उनको गांधी पे कितने क्वेश्चंस बने नहीं पता उनको भैया जब आपको पता ही नहीं कि किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन फ्रेम होता है तो आप तैयारी क्या करोगे पढ़ाई थोड़ी है ये तैयारी है अब आपने एक, आपको एक चैप्टर तैयार करना है हिस्ट्री का गांधी नॉन को ऑपरेशन मूवमेंट उसको पढ़ने से पहले जो लोग नहीं दिल्ली आना चाहते फार्मूला उनके लिए उनको पढ़ने से पहले उस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को पढ़ने से पहले आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का प्रलिम्स का चार्ट बना लो पिछले पंद्रह साल के क्वेश्चन का और मेंस का चार्ट बना लो पिछले पंद्रह साल का क्वेश्चन का दोनों चार्ट आप सामने रख लो और फिर उस बेसिस पर आप उस टॉपिक को तैयार कर लो मजे की बात यह है कि ये सारी चीजें टॉपिक्स जब स्कूल में थी एक भी याद नहीं आता था आज सब क्लियरली पन्ना लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कहा लिखा हुआ था तो जो प्रिलिम्स की वर्कबुक है वो ओसवाल पब्लिकेशन की तरफ से वो मैंने बनाई है ये नहीं लगता आपको कि सिविल सर्वेंट्स जितने बनते हैं देर शुड बी अ लॉ कि इनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में ही पढ़े जिन चीज़ों को ये देख रेख रहे वही फैसिलिटीज़ यूज़ करें कि ये नहीं कि सिविल सर्वेंट के सारे बच्चे अमेरिका और लंदन में पढ़ रहे हैं और जिस गवर्नमेंट स्कूल के वो इंचार्ज हैं वो टूटा फूटा खंडर बना हुआ है तो अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आपको सारी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ यूज़ करनी चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो ये चले जाएंगे तो ये तो आधे मिनट में मर जाएंगे वो मजदूर तो बेचारा सरवाइव कर जाता है क्योंकि अंदर से बहुत मजबूत है ये जितने सो so कॉल्ड अधिकारी हैं मंत्री हैं सिर्फ इनको इमरजेंसी वार्ड में अगर एंटर करा दिए तो आधा से आधा तो का चले जाएंगे वहाँ कानून नहीं बनना चाहिए कि यार जिसकी चीज़ के तुम इंचार्ज हो वो तो इस्तेमाल करो तभी तो सही होगा एक्चुअली क्या है ना कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जहाँ जनता खुद राजा है वहाँ हर चीज़ को कानून से इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा चैलेंजिंग है मतलब हम चॉइस देते हैं आपको लगता है ये मोटी चमड़ी के लोग खुद से करेंगे नहीं कभी नहीं करेंगे जब मैं बता रहा हूँ इन सारे समस्याओं का बस एक समाधान है मैं इस देश की जनता से अपील करता हूँ कि आप चाहते हो मेरे ही जाति का लीडर हो बहुत अच्छा मैं स्वागत करता हूँ अगर आप दलित हैं तो आप अपने में से कोई अम्बेडकर जैसा आदमी निकाल मतलब आप ब्राह्मण है ठीक है आप अपने अपने में से कोई आदमी निकालो आप मुस्लिम है तो आप कोई मौलाना आजाद निकाल लो जो आपके बारे में सोचे कलाम निकाल लो जो विजन ट्वेंटी ट्वेंटी मतलब एक वो मुसलमान है जिसकी किताब है विजन ट्वेंटी ट्वेंटी सिर्फ उस किताब को कोई बंदा पढ़ ले तो इंटरव्यू और मेन्स का थर्टी परसेंट सिलेबस उसका पूरा हो जाए वो और फायर दोनों विजन ट्वेंटी ट्वेंटी इतनी प्यारी किताब है कि आपका ऐसे तो छूट ही नहीं सकता क्या बात करता है वो आदमी पैरोलिथिक एज से लेकर टेक्नोलॉजी का रोल ह्यूमन एवोल्यूशन और डेवलपमेंट में तो मैं कहता हूँ कि यार वो भी आद, वो भी तो एक आदमी है ना जिसका फीस उसके स्कूल टीचर ने भरा भाई वो स्कूल नहीं जा रहे थे तो नम उधरी वो नम बियार साहब आए उनसे पूछने कि भाई आपका बेटा स्कूल नहीं जा रहा उनके फादर ने कहा कि साहब हमारा पास फीस जमा करने का पैसा वो आदमी वहाँ से उठ के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकता है जब तक इस देश की जनता अपने नेता का चुनाव अपने मन से नहीं करेगी एक सिविल सोसाइटी के रूप में सब शहर में कॉन्स्टिट्युएसी में सब लोग बैठे डिसाइड करें कि भैया हम तो इस आदमी को चुनेंगे इस बार तब तक पॉलिटिकल पार्टियां अपना स्टैंड नहीं बदलेंगी एक आपका मैं रील देख रहा था दंड बैठक वाला क्या है वो फंडा कुछ भी मन करे दंड बैठक बीज दंड बैठक पेलो हाँ। है? चक्कर यह है कि मन जो है हाँ। उसको जब हराम खोरी मिलती है हाँ। तब वो बदतमीजी करता है example? जैसे for example, बुद्ध हैं सिद्धार्थ के रूप में तो जब तक वो महल में रहे भोग, विलास, स्त्रिया उनको पता चल गया था क्योंकि मैं मानता हूं कि उस आदमी का जो लेवल ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत हाई है बाहर निकले जिसको हम ये शब्द जो इंडिया में है तपस्या ये तप से है अब ये कप है हम इतने ही ग्लास का कटोरा अगर बनाना चाहें तो हमें इसे मेल्ट करना पड़ेगा कम से कम 1000 डिग्री सेल्सियस उसको टेम्परेचर देना पड़ेगा उसके बाद ये मेल्ट करके लिक्विड हो जाएगा हम इसे कटोरे के फॉर्म में ले आएंगे वही जब ह्यूमन बींग पर लागू होता है तो उसे तपस्या कहते हैं तो जिसका भी मन बदलने को तैयार नहीं अब बैठा है लड़का जब आप मूवी देखते हो तो आपका मन टाइम नहीं दिखाता जब आप पढ़ते हो हर पाँच मिनट पे घड़ी भी चला जाता सवाचार बस चार बजे से बैठे पढ़ाई में लड़का चार बजे बैठता सवा सवाचार पे उसको लगता है कयामत आने का टाइम हो गया यार टाइम ही नहीं कट रहा है यह है मन की बदतमीजी तो मैं कहता हूं खड़े होके पढ़ो जैसे बहुत सारे लड़के बोलते हैं सर उल्टे सीधे ख्याल आते हैं मैंने कहा उल्टे सीधे क्या ख्याल आते हैं अरे अब मैं आपसे नहीं बता रहा मैंने कहा बता दे मैं कौन सा तेरी रील बनाने जा रहा हूँ <laughs> नहीं नहीं सर वो जो है है बहुत हो रहा है, सर हाँ तो भैया जब दूध पियोगे चार अंडा खाओगे अंडा खाओगे सिर्फ प्रोटीन लीले जा रहे हो बड़ा प्यारा शब्द है हमारे घर में जब माँ बाप नाराज होते थे तो कहते थे लील लो लील लो तब मुझे उसका लीलने का मतलब नहीं समझ में आता था अब मुझे वो जब सर, मैं डिकोड करता लीला मतलब कि बिना आउटपुट के सिर्फ खाए जाना तो आज ज्यादातर लोग ली ली रहे हैं उनको लग रहा है कि भैया आपकी जबान बहुत तेज हो गई आप खाए जा रहे हो मेहनत आप कर नहीं रहे हो तो मन तो अपनी हरकतें करेगा ही होम डिलीवरी हाँ दो बजे रात में खाना मंगा रहे हैं चटोरी गली में घूम रहे हैं तो मैं कहता हूं कि जैसे ही तुम्हारे मन में भाई आप किसी को पुलिस क्या करती है भय ही तो पैदा करती है अगर पुलिस भय ना पैदा करे तो डिपार्टमेंट को कर जाए आपने अपने मन को कभी भय दिया ही नहीं उसने आपसे कहा ये कट डालो आपने डाला वो निरंकुश हो गया अब वो अगर आपको विचार दे आप बीस दंड बैठक मार दो रिवॉर्ड एंड रिक्शन को सही तरीके से अब जिस दिन आप पांच दंड बैठक मारने लगे तो ये जो कीगल एक्सरसाइज और फलाना एक्सरसाइज आपको सिखा रहे हैं सारी पेल्विक सीधी हो जाएगी सारी पेल्विक सीधी हो जाएगी और डिवोर्स रेट खत्म हो जाएगा सबके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बढ़िया बन जाएंगे कितने बढ़िया नोट पे हम ये इंटरव्यू एंड कर रहे हैं <laughs> और कितनी स्ट्रांग जनरेशन होगी मतलब आदमी अगर आप शक्तिशाली नहीं हैं भाई हम हम तो कहते हैं मैं तो शंकर जी का एग्जांपल लेता हूं कामदेव को भस्म कर दे रहा हुआ आदमी यहां लोग काम कर रहे हैं कि लिबिडो ही नहीं फायदा हो रहा है मतलब पैतीस साल का आदमी डॉक्टर से जाके कह रहा है कि लिपडो जनरेट नहीं हो रहा और शंकर जी कामदेव को भसम कर दे रहे कुबेर को पकड़ ला रहे हैं जहर को पी ले रहे हैं आदमी एक गिलास प्योर दूध पी रहा है उसको डायरिया हो रहा है ढूंढ रहे हैं चट्टान हाँ मतलब शिलाजीत के चक्कर में कोयला वयला खाए जा रहा हूँ काली काला उ, उसी तरह होता है उसको बांट लोग तो लास्ट में मैं यही कहूंगा इस पॉडकास्ट में कि आप सही चीजों के पीछे जाएं, शक्ति के पीछे जाएं, संसार आपके पीछे खुद ब खुद आएगा so अवध हो जा सर मजा आ गया हाँ भाई कैमरा बंद करने से पहले बोलूँ लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब कर देना इंक्रीमेंट नहीं हुई है इस साल के <laughs> का <जड़ी। laughs> मैं धक्का नहीं ये समाज जितना भी मुझको मैं टीट किसके बाप की भी सुनता नहीं तुम करते रहो अपने सपनों को फील मेरे बैठे